किंगस्टन ओवल बारबाडोस में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। पहला वनडे इंटरनेशनल जीतने के बाद भारत चाहेगा कि दूसरे वनडे को भी जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा ले, तो दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम है जो ये चाहेगी कि वो दूसरा वनडे जीतकर जो सीरीज है उसको बराबरी पर लेकर आए। तो कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आज के मैच में भारतीय टीम और वेस्टइंडीज की टीम किन चीज़ों को टिक करना चाहेगी, मतलब कि ठीक करना चाहेगी। इस पर बातचीत होगी, प्लेइंग 11 पर भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड कप के लिहाज से भारतीय टीम अपनी तैयारियों को और पंख देने के लिए क्या कुछ करने वाला है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच किंगस्टन ओवल बारबाडोस में आज दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला वनडे इंटरनेशनल भारत ने बड़ी आसानी से 5 विकेट से जीत लिया था, और हालांकि ये दिलचस्प है कि वो मुकाबला भी जो पहला वनडे था वो भी बारबाडोस में ही खेला गया था। अब अगर देखना ये है कि ये उसी पिच पर मुकाबला होगा या दूसरी पिच पर मुकाबला होता है। अगर उसी पिच पर मुकाबला हुआ तो आप भारतीय प्लेइंग 11 में एक चेंज देख सकते हैं, किसी एक तेज गेंदबाज की जगह पर अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम पहले वनडे पर जाएं तो वहां जो है स्पिनर्स का दबदबा रहा था और उन्होंने जो है ज्यादातर विकेट निकाले थे। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने मिलकर 7 विकेट निकाले थे। तो और ये भी देखना होगा कि उस मैच में जो है स्कोर कम बने थे, सिर्फ वेस्टइंडीज की टीम जो है वो 114 रन ही जुटा सकी थी, तो एक लो स्कोरिंग मैच था। और अगर वही मैच हो रहा है तो एक और लो स्कोरिंग मैच के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी को मजबूत करने और स्पिन डिपार्टमेंट को और धार देने के लिए भारतीय टीम अक्षर पटेल की ओर देख सकती है। वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो ईशान किशन को संजू सैमसन के ऊपर प्रिफर करके वरीयता देकर जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, उन्होंने एक बात बता दी है कि ईशान किशन जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए जो प्लानिंग हो रही है उसका हिस्सा हैं, खास करके तब अगर केएल राहुल पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तब। तो दूसरे वनडे में हम और क्या क्या देखना चाहते हैं, तो देखिए जो सबसे पहली बात हम सभी देखना चाहते हैं और दोनों टीमें भी देखना चाहती हैं कि दोनों ही टीमों की ओर से जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो बेटर हो। वेस्टइंडीज की टीम ने सिर्फ 114 रन बनाए थे, जबकि भारत को 114 रन बनाने के लिए 5 विकेट खर्च करने पड़े थे। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों ही टीमों के बैटर्स ने जो है आशाओं के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं की थी। तो दूसरे वनडे इंटरनेशनल में जो बैटर्स हैं दोनों ही टीमों के, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है कि कम से कम वो 50 ओवर तो खेलें पहले बल्लेबाजी करते हुए। जो पहला वनडे हुआ था उसमें अगर आप देखें तो 46 ओवर में भी एक गेंद कम ही रह गई थी। तो इसलिए जो पहली चीज जो दूसरे वनडे इंटरनेशनल से सभी देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पूरे 50 ओवर खेले, तभी जो है मुकाबला दिलचस्प बनेगा। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड कप के प्रॉस्पेक्ट से भी अगर सोचने की कोशिश करें तो देखिए सूर्य कुमार यादव के लिए एक और मौका है, ये उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। T20 इंटरनेशनल में जो उनकी बल्लेबाजी है उसको कोई चुनौती नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनकी जगह लेने के लिए कई खिलाड़ी तैयार हैं। देखिए श्रेयस अय्यर फिट होंगे तो वो उनकी जगह ले सकते हैं, केएल राहुल फिट होते हैं तो वो उनकी जगह ले सकते हैं। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव के लिए जो ये वेस्टइंडीज दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वनडे इंटरनेशनल में। देखिए T20 में तो उन्हें कोई चुनौती नहीं दे रहा है, उसके वो सर्वश्रेष्ठ बैटर हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में उन्हें अपने आप को साबित करना होगा और उसके लिए अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यही कुछ एक मौके उन्हें मिलेंगे। तो इसलिए आज सूर्य कुमार यादव पर भी सबकी नज़रें टिकी होंगी पहले वनडे इंटरनेशनल में।
उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन स्वीप खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गवाया था। तो अब देखना है कि सूर्य कुमार यादव दूसरे वनडे इंटरनेशनल में कैसी बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा अगर हम भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो एकमात्र चेंज मुझे दिख रहा है कि अगर पिच स्पिनिंग रही तो अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में शार्दुल ठाकुर या उमरान में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। हाँ, बैटिंग ऑर्डर पर भी नज़र होगी। हम दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो भारत का सेट बैटिंग ऑर्डर है उसी के साथ भारतीय टीम इस मैच में उतरती है या जो एक्सपेरिमेंट उसने पहले वनडे इंटरनेशनल में किया वैसा ही करने जा रही है। ये टीम मैनेजमेंट को फैसला लेना है, टॉस जीतकर टीम क्या करेगी। पहले वनडे इंटरनेशनल में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जो है फील्डिंग करने का फैसला लिया था, लेकिन अगर मुकाबला लंबा जाता तो आप जान लीजिए कि भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी हो जाती। ये तो भला हो कि वेस्ट इंडीज ने 50 ओवर नहीं खेले थे, अगर उन्होंने 175 से 200 रन बना दिए होते तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती थी। तो ऐसी परिस्थिति में विकेट चूंकि स्लो है तो जो टीम टॉस जीतेगी हो सकता है वो पहले बल्लेबाजी के लिए जाना चाहे। तो ये सारी चीजें हैं, वेस्ट इंडीज की टीम निश्चित तौर पर चाहेगी कि जो एक उसका सुनहरा इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको याद करे। जो अच्छी चीजें थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट से न जाने वो कहाँ गुम हो गई हैं। वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है तो उन्हें साबित करना होगा कि वर्ल्ड कप से बाहर होना मात्र एक फ्लुक है, एक तुक्के वाली बात है, वो उलट फेर के शिकार हो गए और कुछ नहीं। लेकिन उसे साबित करने के लिए उन्हें दूसरे वनडे इंटरनेशनल और तीसरे वनडे इंटरनेशनल में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वेस्ट इंडीज की टीम ऐसा कर पाएगी। फिलहाल दूसरे वनडे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम आपको फेवरेट दिखती है, लेकिन वेस्ट इंडीज के अंदर वो क्षमता है कि वो पलटवार कर सकती है। तो क्या वेस्ट इंडीज करेगा पलटवार या भारतीय टीम आज सीरीज पर कब्जा करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।